हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज उत्तर प्रदेश के बारे में अगला टॉपिक हमारा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 हो चुकी है, जिनमें 3 चालू हैं और 2 अभी बन रहे हैं, प्रस्तावित हैं। तो टोटल हम हवाई अड्डे देखेंगे, कौन कौन से, घरेलू भी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी देखेंगे। तो पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम 4 हवाई अड्डे देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी, और इस चकेरी का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर। इसे गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, और यह हवाई अड्डा कानपुर में है। कानपुर किस नाम से फेमस है? चकेरी के नाम से फेमस है। नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर। दूसरा है अमौसी हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा, और अमौसी हवाई अड्डे का नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। लेकिन ध्यान रखना है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसके साथ मैंने लिख दिया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ऐसे आता है, चकेरी कहाँ है तो आप कहेंगे कानपुर में, अमौसी कहाँ है तो कहेंगे लखनऊ में। तीसरा है खेरिया, खेरिया, और खेरिया का नाम हो चुका है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, सॉरी, खेरिया का नाम हो चुका है दीन दयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और ये कहाँ है? ये है आगरा में, ये आगरा में। अगला है बाबतपुर हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा, और इसका नाम हो गया है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी में है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इन 4 में से 2 अंतरराष्ट्रीय है, एक कौन सा? अमौसी का, और एक कौन सा? बाबतपुर का। ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये वाराणसी में है। ठीक, तो इन 4 को तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि इनके ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। तो चकेरी कहाँ है? कानपुर में। अमौसी कहाँ है? लखनऊ में। खेरिया आगरा में, और बाबतपुर कहाँ है? वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, बा से बाबतपुर और बा से वाराणसी, ये है चकेरी, कानपुर, अमौसी, लखनऊ, और खेरिया आगरा में। खेरिया लास्ट में आ रहा है तो आगरा, खेरिया आगरा। इसके बाद अगला जो हवाई अड्डा है वो है बमरोली हवाई अड्डा, बमरोली हवाई अड्डा, और यह है प्रयागराज में। ये घरेलू हवाई अड्डा है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है बमरोली हवाई अड्डा। ये 5 हमारे पास ऐसे नामों के हवाई अड्डे हो गए जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2 हवाई अड्डे हम और देखते हैं, 3 हवाई अड्डे हम और देखते हैं जो इंटरनेशनल है। छठा है हमारे पास हवाई अड्डा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट बिहार से सीमा बनाता है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ है? कुशीनगर में ही है, कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ है? यूपी में, कुशीनगर यूपी में। ठीक, भगवान बुद्ध की मृत्यु यही हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में। कुशीनगर को बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए जाना जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। अब ये 6 हो गए, इसके अलावा कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो देखिए, हमारे पास इंटरनेशनल कितने हो गए? 1 अमौसी, दूसरा बाबतपुर, और तीसरा हो गया कुशीनगर। मैंने बोला था 5 है, तो 3 तो वो है ये अभी चल रहे हैं, ऑपरेशनल है, लेकिन 2 ऐसे कौन से हैं जो नहीं? एक है जेवर, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और अगला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अयोध्या में बन रहा है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल या नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा में। इसे जेवर के नाम से भी जाना जाता है, जेवर हवाई अड्डा भी कहते हैं, तो नोएडा में है, प्रस्तावित है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित। और 8वां है, इसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल है ये भी, और ये कहाँ बन रहा है? अयोध्या में, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है अयोध्या। जब कंप्लीट हो जाएंगे ये दोनों, तो यूपी में
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 हो जाएगी, जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अगला है हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन हिंडन एयरपोर्ट ये घरेलू हवाई अड्डा है, गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद, गाजियाबाद। और दसवां है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस पे, बरेली हवाई अड्डा। क्या नाम है? बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। लेकिन आपसे सवाल ये है, बरेली हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो बरेली हवाई अड्डे को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, नाथ नगरी हवाई अड्डा। ठीक, नाथ नगरी हवाई अड्डा, और नाथ नगरी का मतलब यहाँ पर है शिव की नगरी। यहाँ नाथ किसे कहा गया है? शिव को। ठीक, शिव की नगरी, नाथ नगरी। ये 10 हवाई अड्डे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं यूपी में प्रथम। अब एक टॉपिक और है, इसके बाद ये वीडियो हम दूसरी वाली यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो यूपी की पहले आ चुकी है, दूसरी वीडियो ये है। अब देखते हैं यूपी में प्रथम, यूपी में प्रथम, जैसे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम, पहले मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखिएगा यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। उस समय उत्तराखंड यूपी एक ही में हुआ करता था, तो पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। दूसरा, यूपी के पहले राज्यपाल की अगर बात करें तो वो है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तीसरा, यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें, यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री तो वो है चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। चौथा है, यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष, तो यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इनको राजऋषि के नाम से भी जाना जाता है, तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। अगला है पांचवा, यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यूपी में प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश कौन, तो कमला कांत वर्मा। क्या नाम था? कमला कांत वर्मा। ठीक, कमला कांत वर्मा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा है यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, लोकायुक्त, तो उनका नाम है विशंभर दयाल। क्या नाम है? विशंभर दयाल, यूपी के पहले लोकायुक्त है। तो यूपी में जो प्रथम इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना है। इसके अलावा सातवां और अंतिम है, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा महिला मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछेगा तब तो गोविंद वल्लभ पंत, पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और यूपी में दूसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यूपी में दूसरी महिला मुख्यमंत्री है मायावती, मुख्यमंत्री मायावती। और यूपी में अब तक तीसरी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई, दो ही महिलाएं यूपी में मुख्यमंत्री बनी है, एक सुचेता कृपलानी और एक मायावती, इनके अलावा दूसरी तीसरी महिला मुख्यमंत्री नहीं। तो दो नाम ये हो गए, पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, राज्यपाल सरोजनी नायडू। और ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू केवल यूपी की पहली राज्यपाल नहीं, पूरे भारत के अंदर सभी स्टेट को मिला लीजिए, पहली बार यूपी के अंदर महिला राज्यपाल बनी, महिला राज्यपाल भी बनी और राज्यपाल भी पहली थी। महिला राज्यपाल तो है, इसके अलावा पहली राज्यपाल भी है। अब यहाँ पर सरोजनी नायडू के बारे में हमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है सरोजनी नायडू के बारे में कुछ खास बातें। देखिए, सरोजनी नायडू को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें जाना जाता है उनकी पुस्तकों के लिए और उनके एक नाम के लिए जो उनको गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, इसको हिंदी में कहेंगे भारत कोकिला की उपाधि। कोकिला माने कोयल, भारत की कोयल की उपाधि। इनकी एक रचना है, पुस्तकें लिखी इन्होंने, कुछ कविताएं लिखी, उनमें रचनाओं में एक रचना है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये आपको याद रखनी है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, स्वर्णिम दहलीज, इसको अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे स्वर्णिम दहलीज, ये
इनकी पुस्तक है और बहुत फेमस पुस्तक है स्वर्णिम दहलीज। सरोजनी नायडू ने ही राज्यपाल की तुलना करी थी पिंजरे, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी से, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया था, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा है सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया ये भी इन्होंने कहा था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की पुस्तक लिखी, एक इन्होंने कविताएं लिखी हैं, कविताओं का संग्रह है द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम ये भी इनकी एक कविता है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, आपको ये दोनों याद रखेंगे। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।